20 डेली यूज वर्ड्स विद सेंटेंस। सो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 20 वर्ड्स जो कि हम डे टू डे यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। जानते हैं कौन से वर्ड्स हैं ऐसे 20 जो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड डिले की। डिले मीन्स देरी होना किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो जो होना चाहिए था टाइम पर, वो नहीं हुआ, वो डिले हो गया। डिसीव, धोखा देना या धोखा खाना। काम, शांत रहना। रिग्रेट, पछतावा होना। पार्टिसिपेट मींस हिस्सा लेना। डिलीशियस, ये होता है खाने के लिए, फूड के लिए, मींस स्वादिष्ट होना। एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। इलिटरेट मींस अनपढ़। योकल मींस गवार। प्रेस, प्रशंसा करना। सैक्रामेंट्स मींस संस्कार होना। इग्नोरेंट मीन्स अनजान होना। लिगेसी मीन्स विरासत। हॉटी मीन्स घमंडी। शैलो मीन्स उथला। उथला का मतलब यहाँ पे होता है कि मतलब नॉलेज ज़्यादा ना होना, या फिर बात कर सकते हैं कि कोई जैसे तालाब है तो वो ना ज़्यादा गहरा है, गहरा नहीं है, मतलब उसकी जो सतह है और जो गहराई है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, शैलो। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। सैम्पल, नमूना। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। नॉइस, शोर। प्रोटेस्ट, आंदोलन। तो ये 20 वर्ड्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, मेक श्योर कि साथ में आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए इन्फॉर्मेटिव, उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, डिले। जैसे मैंने आपको बताया, डिले का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देरी करना या देरी होना किसी भी चीज के अंदर। सेंटेंस पकड़ते हैं कि इस मुद्दे पर ज़्यादा देरी मत करना। इस मुद्दे पर मीन्स कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक आपका एम है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी, उसके ऊपर फटाफट से एक्शन लेना है आपको। सो डू नॉट डिले दिस मैटर एनी मोर। डोंट डिले दिस मैटर एनी मोर। इस मुद्दे पर ज़्यादा देरी मत करना। डोंट डिले दिस मैटर मतलब इस मैटर को डिले मत करना। एनी मोर मीन्स ज़्यादा, है ना, इस मुद्दे पर ज़्यादा देरी मत करना। डोंट डिले दिस मैटर एनी मोर। डिसीव, धोखा, धोखा देना या फिर धोखा पाना। डिसीव, क्या तुमने उसको धोखा दिया, क्या तुमने उसको धोखा दिया। डिड यू डिसीव हर, डिड यू डिसीव हर। अब अगर यहाँ पे होता कि तुम धोखा देते हो, विच मीन्स यू डिसीव, अब क्या तुमने धोखा दिया, विच मीन्स इंटेरोगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे डू के क्या सेकंड फॉर्म होगी। सो क्या तुमने उसको धोखा दिया, सो डिड यू डिसीव हर, सेकंड फॉर्म, विच मीन्स सिंपल पास्ट। काम, चुप रहना, शांत रहना। क्या तुम शांत नहीं रह सकते, सकते मीन्स कैन, ठीक है। अगर मैं क्या को निकालूं, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के अंदर कि जब हम लोग क्वेश्चन के सेंस को ले जाते हैं इंटेरोगेटिव में, मींस प्रश्न फॉर्म के अंदर, तो हम एक मिनट के लिए क्या को रखते हैं अलग और सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, तो क्या आता है, तुम शांत नहीं रह सकते, विच मीन्स यू कैन नॉट, यू कैन नॉट बी काम, तुम शांत नहीं रह सकते। अब क्योंकि क्या पहले आ गया तो कैन नॉट पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा, कांट यू बी काम आगे क्वेश्चन मार्क, सो इंटेरोगेटिव में। सो बेस्ट वे इसका क्या है कि जब भी हम लेते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर, तो जो हमारा क्या है उसको हम साइड पर रखेंगे और जो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा। तो क्या तुम शांत नहीं रह सकते, सो कांट यू बी काम, अगर ये नहीं होता तो क्या आता, यू कांट बी काम, ये है पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, कांट यू बी काम। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना किसी भी चीज का। मुझे अपने फैसले का पछतावा है, मुझे अपने फैसले का पछतावा है, सो आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई रिग्रेट माई डिसीजन। किसी भी चीज़ का पछतावा होना, अब मैंने यहाँ पे किसका बोला, अपने फैसले का, तो यहाँ पे क्या आया, डिसीजन। मुझे अपने फैसले का पछतावा है, सो आई रिग्रेट माई डिसीजन। पार्टिसिपेट विच मीन्स हिस्सा लेना, मैं अगली प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा, लूंगा फ्यूचर, सो आई विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, आई विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। तो यहां पे पार्टिसिपेट का मतलब क्या रहा, हिस्सा लेना। प्रोटेस्ट
मीन्स आंदोलन, जैसे आजकल किसान धरने पर बैठे हैं, या फिर केजरीवाल जी हमारे यहाँ दिल्ली के सीएम कहीं भी बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट करने, है ना, आंदोलन भी, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, आंदोलन। सो किसान बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, विच मीन्स प्रेजेंट है, अभी कर रहे हैं, और ING मतलब चल भी रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। सो किसान बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, विच मीन्स अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सी बनेगी, ये बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे आता हैज बीन और हैव बीन। तो क्या आएगा, द फार्मर हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सब्जेक्ट अगर रहता है आई वो यू दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो फार्मर्स हैं, तो यहाँ पे आएगा हैव। सब्जेक्ट अगर होता है सिंगुलर ही शी इट, तो आगे आता हैज। तो फार्मर्स बहुत सारे हैं, विच मीन्स प्लूरल है, तो क्या आएगा, द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, द फूड इज डिलीशियस, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, विच मीन्स द फूड इज डिलीशियस। एजुकेटेड, अब हमने सुना है बचपन में कि इसका मतलब क्या है, एजुकेटेड, हम एजू बोलते हैं एजुकेटेड, बट अभी जो है इसके जो प्रोनंसिएशन है वो चेंज हो गई है, इसको एजुकेटेड नहीं, इसको बोलते हैं एडुकेटेड। सो एजुकेटेड मीन्स पढ़ा लिखा। अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है, विच मीन्स अमित इज, ठीक है, अमित इज एन एजुकेटेड बॉय, अमित इज एन एजुकेटेड बॉय। अब यहाँ पे एन क्यों आया, क्योंकि जो अगला वर्ड है एजुकेटेड, इट स्टार्ट विद द वर्ड करेक्टर वॉवल AEIOU, तो ई हमारा वॉवल है, तो यहाँ पे उसके आगे आ जाएगा एन। सो अमित एक पढ़ा लिखा लड़का है, सो अमित इज एन एजुकेटेड बॉय। इलिटरेट अनपढ़, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, मेरे माँ बाप मीन्स, अब ऐसा नहीं आएगा कि माई मदर एंड माई फादर, नहीं, माई पेरेंट्स में माँ और बाप, मम्मी पापा दोनों ही आ जाते हैं। सो माई पेरेंट्स आर इलिटरेट, मेरे माँ बाप अनपढ़ हैं, तो माई पेरेंट्स आर इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स अनपढ़। योकल मीन्स गवार, इसको सेंस बोलने की नहीं है, पहनने की नहीं है, रहने की नहीं है, किसी चीज़ की है ही नहीं, इसको कहते हैं गवार है, तो गवार योकल। ये गवार यहाँ क्या कर रहा है, ये गवार यहाँ क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, विच मीन्स इंटेरोगेटिव में आ गया। अब क्या आएगा कि गवार क्या कर रहा है, ठीक है, सो वट इज दिस योकल डूइंग हेयर, वट इज दिस योकल डूइंग हेयर, मीन्स कि ये गवार यहाँ पे क्या कर रहा है। अब करने के लिए क्या होता है, डू प्लस ING आएगा, क्योंकि कर रहा है। सो वट इज दिस योकल डूइंग हेयर, यहाँ पे ये गवार क्या कर रहा है। प्रेज प्रशंसा करना, तारीफ, कल मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की, कल मेरे टीचर ने मेरी तारीफ की, विच मीन्स मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट की, पास्ट इनडेफिनेट। सो यस्टरडे माई टीचर प्रेज्ड मी, तो सेकंड फॉर्म आ गई, प्रेज की आगे क्या होती, प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड। सो यस्टरडे माई टीचर प्रेज्ड मी, कल मतलब जो बीत गया वो यस्टरडे है, और जो आने वाला होगा वो टुमारो होता है, तो यहाँ पे बात हो रही है कल बीते हुए की, तो कल मेरी टीचर ने मेरी तारीफ की, सो यस्टरडे माई टीचर प्रेज्ड मी, सेकेंड फॉर्म। सेक्रामेंट्स मीन्स संस्कार, जो हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने बड़ों से, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, विच मीन्स कन्फर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज और हैव का प्रयोग होगा। अब क्योंकि पेरेंट्स है, विच मीन्स प्लूरल है, दो होते हैं माता और पिता, तो यहाँ पे आएगा हैव। सो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, विच मीन्स योर पेरेंट्स हैव गिवन, थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, योर पेरेंट्स हैव गिवन यू गुड सेक्रामेंट्स, योर पेरेंट्स हैव गिवन गुड सेक्रामेंट्स, सेक्रामेंट्स मीन्स संस्कार। इग्नोरेंट मीन्स अनजान हो जाना, अनजान बन जाना, इग्नोर कर देना, मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो, मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो, विच मीन्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, है ना, मेरे सामने। सो डोंट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ मी, सो डू नॉट प्रिटेंड। अब प्रिटेंड का मतलब यहाँ पे क्या है, कि आप जो है यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, है ना, मीन्स दिखावा कर रहे हैं। सो डू नॉट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट मीन्स अनजान बनने का, सो नॉट, डू नॉट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट किसके आगे, मेरे आगे, सो इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो, डू नॉट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ मी।
लीगेसी मीन्स विरासत, जैसे हमको चीज मिलती है ना विरासत से, अपने फोर फादर से, विरासत लेगेसी, यह सब हमको विरासत के रूप में मिला है, यह सब हमको विरासत के रूप में मिला है। सो वी गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी, वी गॉट ऑल दिस मीन्स हमें मिला है ये सब, कैसे, एज ए, विरासत के रूप में, के रूप में का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एज ए। सो ये सब हमको विरासत के रूप में मिला है, सो वी गॉट ऑल दिस, वी गॉट ऑल दिस एज ए लेगेसी मीन्स विरासत के रूप में। हॉटी मीन्स घमंडी, वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है, कंफर्म है, हो गया है। सो ही हैज बिकम टू हॉटी नाउ अ डेज, ही हैज बिकम टू नॉटी नाउ अ डेज, वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है। शैलो मीन्स उथला, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि जो डीप ना हो। अब हम बात कर सकते हैं किसी के माइंड के सोच की, किसी के थॉट प्रोसेस की, किसी के इंटेलिजेंस लेवल की, या फिर हम समुद्र की गहराई की। शैलो मीन्स ज़्यादा उसकी हाइट में, मतलब डेप्थ में ज़्यादा गैप ना होना। यह तालाब उथला है मीन्स, यह तालाब उथला है मीन्स कि ज़्यादा गहरा नहीं है, विच मीन्स दिस पॉन्ड इज शैलो, दिस पॉन्ड इज शैलो। इसका मतलब क्या है कि ये जो तालाब है ये उथला है मीन्स ज़्यादा गहरा नहीं है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, यह ड्रेस तो बहुत महंगा है, यह ड्रेस तो बहुत महंगा है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, टू TWO, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, विच मीन्स कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। सैंपल नमूना, किसी भी चीज का सैंपल कहते हैं ना, हम सैंपल दे के आ रहे हैं किसी चीज़ का, नमूना देके आ रहा है कि पसंद आए तो फिर ऑर्डर कीजिएगा, आपको हम डिलीवर कर देंगे सैंपल। नमूना, तुम्हें अपने खून का नमूना देना होगा, होगा विच मीन्स फ्यूचर है ना, विल, तुम्हें अपने खून का नमूना देना होगा, तो यू विल हैव टू गिव। अब विल हैव क्यों लगाया, एक तो विल आ गया हमारा कंपल्सरी की होगा, अब हैव टू मीन्स पड़ेगा, होगा या पड़ेगा, मतलब आपको जरूरी है, मैं फोर्स कर रहा हूं कि आपको देना होगा या आपको देना पड़ेगा, तो हैव टू, सो यू विल हैव टू, तुम्हें ये करना होगा, यू विल हैव टू, इसका मतलब ये होता है, तो तुम्हें आना होगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो, तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टॉक, है ना, इस तरह से बोलेंगे विल हैव टू, तो सेंटेंस अलग अलग बन रहे हैं। सो तुम्हें अपने खून का नमूना देना होगा, विच मीन्स यू विल हैव टू गिव योर ब्लड सैंपल, यू विल हैव टू गिव योर ब्लड सैंपल। इंपॉर्टेंट जरूरी, यह मुलाकात मेरे लिए बहुत जरूरी है ठीक है, यह मुलाकात विच मीन्स दिस, मुलाकात मीन्स मीटिंग, सो दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मुलाकात मेरे लिए बहुत जरूरी है, दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जरूरी। और इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो आपका वाइटल हो सकता है, आपका असेंशियल हो सकता है, आपका हम बोल सकते हैं इंडिस्पेंसिबल हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंडेटरी हो सकता है, तो इस इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स बहुत सारे हैं ठीक है, इसलिए कहता हूँ कहने को 20 वर्ड्स होते हैं, बट करते करते बहुत सारे वर्ड्स निकल के आते हैं ठीक है। तो अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट के, तो मैंने आपको 4 बता दिए, कौन कौन से, वाइटल, असेंशियल, मैंडेटरी एंड इंडिस्पेंसेबल, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो, यह मुलाकात मेरे लिए बहुत जरूरी है, सो दिस मीटिंग इज वेरी वाइटल फॉर मी, इट हैज सेम सेंस। नॉइस शोर, देखा होगा बच्चे शोर करते हैं, इम्प्लॉयज शोर करते हैं, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पब्लिक प्लेस पे बहुत शोर होता है, नॉइस, शोर करना बंद करो, स्टॉप, स्टॉप मेकिंग नॉइस, शोर करना बंद करो विच मीन्स स्टॉप मेकिंग नॉइस। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स जो मैंने डिस्कस किए इस वीडियो के थ्रू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और जाने से पहले कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अप्रिसिएशन के लिए कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए, और फिर कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।